वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्राइस रीअरेंजमेंट। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर मैकेनिज्म डिटेल में, और लास्ट में एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फ्राइस रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट हो रहा है, मतलब एक ग्रुप है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। सेकेंड, इसको फ्राइस ही क्यों बोलते हैं, तो 1908 में जर्मनी के एक केमिस्ट ने, मतलब जर्मन केमिस्ट, क्या नाम था, कार्ल थियोफिल फ्राइस, इसने इंटरनेशनल जर्नल में एक पेपर पब्लिश किया था 1908 में, इसीलिए इसको फ्राइस रीअरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हमें लिखना है, आप एक बार लिख सकते हो ये। अब हमें लिखना है इसका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल लिखने के लिए इस हमें पहले रिएक्शन लिखना होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले ये फ्राइस ने क्या किया था, तो एक ऐसा स्टार्टिंग मटेरियल लिया था, यहाँ पर O, यहाँ पर CO और ये CH3। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं वो भी हम देख लेंगे। चलो, कैसे बन सकता है ये, तो फिनॉल लेना होता है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही मैं फिनॉल में फर्स्ट स्टेप में बेज ऐड कर दूँ, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से माइनस H2O बन जाएगा और यहाँ पर ONA सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और दूसरा रिएजेंट अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ COCl या फिर CH3CO twice, क्या बोलते हैं इसको, इधर एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो अगर ये लिया है तो यहाँ से Na, यहाँ से Cl, NaCl निकलेगा, और अगर ये लिया है तो यहाँ से CH3COOCl निकलेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट इस एसिटाइल ग्रुप से हो रहा है, मतलब एसिटाइलेशन रिएक्शन है ये और कुछ नहीं है। तो एक्चुअल में तो ये फिनॉल का ही रिएक्शन है। अब देखो, ये क्या लिया मैंने, ये ग्रुप को हम बोलते हैं एसीटेट, क्या बोलते हैं, एसीटेट, सॉरी, ये ग्रुप को हम बोलते हैं एसीटेट और ये है फिनाइल, तो इसको मैं नाम दे दूँ तो इसका नाम बनेगा फिनाइल एसीटेट। क्लियर, अब ये फिनॉल का एस्टर ही है। ठीक है, जब मैं इसको हीट करता हूं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हमारा कैटलिस्ट है, इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसी बनती है, यहां से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां ऑर्थो में से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो यहां आ जाएगा, और यह COCH3 जो ग्रुप है वो ऑर्थो में चला जाएगा, प्लस एक ग्रुप चला जाएगा पेरा में, OH, ये CO, ये CH3। ठीक है, ये एस्टर था हमारा, इसको हमने नाम दे दिया फिनाइल एसीटेट। ठीक है, और एक क्वेश्चन, चलो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है मेन, तो पहले यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग होता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, वीडियो पोज करके आप कमेंट में जाके लिखिए पहले, एस्टर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है या विड्रोइंग। ठीक है, तो एस्टर ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग भी होता है, वो डिपेंड करता है कि लिंकेज कैसा है। यहाँ पर फिनाइल रिंग के साथ ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता, ध्यान से देखना, ये COOCH3 तो ये भी एस्टर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बेंजीन से ले लेगा, तो इस केस में एस्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ऑर्थो और पेरा मिलेगा। क्लियर है, अब ये मैं निकाल देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो वेल नोन स्टेप है, फ्राइस ने यहाँ पर कुछ नया नहीं किया था, फ्राइस ने तो यहाँ से नया किया था, क्या किया था, ये फिनाइल एसीटेट लिया, इसमें से ऑर्थो और पेरा आइसोमर बना, तो देखो इसको नाम दे देते हम
तो इतने पोर्शन को अगर बेंजीन के साथ सी ओ सी एच थ्री ग्रुप है तो इसको कॉमन नेम क्या देते हैं, एसीटोफिनोन। क्या नाम देते हैं, एसीटोफिनोन। अब क्या बचा, ये ओएच ग्रुप, ओएच के लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। कहाँ पर है ये, सेकेंड या फिर ऑर्थो में, तो इसको नाम दे दो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो फिर इसका नाम तो आप बता सकते हो, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन है, सिंपल। तो ये बन रहा है। अब मुझे लिखना है प्रिंसिपल, देखो क्या हो रहा है। तो ये एस्टर है किसका, फिनोल। तो लिख देता हूँ मैं एस्टर्स ऑफ फिनोल, इन जनरल लिख रहे हैं हम, कोई भी फिनोल का एस्टर है, एस्टर्स ऑफ फिनोल। उसको हम हीट कर रहे हैं ऑन हीटिंग, किसके साथ हीट कर रहे हैं, इसके साथ, ऑन हीटिंग विथ लेविस एसिड। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड ही लेना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम और भी लेविस एसिड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो यहाँ पर यूज़ होता है लेविस एसिड, मेनली एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हमने एस्टर ले लिया, एस्टर ऑफ फिनॉल, ऑन हीटिंग विथ लेविस एसिड, मेनली एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। बन क्या रहा है, ये देखो, ये कीटोन है और ये फिनोल है, ठीक है। तो मेनली एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स ऑर्थो एंड पेरा कीटोन ऑफ फिनोल, मतलब ये फिनोल का ऑर्थो पे कीटोन आ गया और पेरा पे कीटोन आ गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज, और दिस इज नोन एज फ्राइस रीअरेंजमेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। सेकेंड, यहाँ पर लेविस एसिड और कौन कौन से यूज हो सकते हैं, अदर लेविस एसिड लाइक ZnCl2, TiCl4, BF3, CH3, SO3H, CF3, SO3H, एक्सेट्रा। तो ये सारे भी यूज़ किए जा सकते हैं। कौन कौन से लेविस एसिड, जिंक क्लोराइड, टिटेनियम क्लोराइड, ये BF3, ये CH3, SO3H, मतलब मीथेन सल्फोनिक एसिड, ये CF3, मतलब ट्राई फ्लोरो मीथेन सल्फोनिक एसिड वगैरह। तो बहुत सारे और भी लेविस एसिड है जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है ऑर्थो एंड पेरा दोनों का मिक्सर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट मेजर बनेगी वो डिपेंड करती है बहुत सारी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन, मैं लिख रहा हूं फर्स्ट अल्काइल रेसिड्यू। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो ये CH3 ग्रुप है, अगर यहां पर बड़ा ग्रुप होता तो ये ऑर्थो में जब आना चाहता तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा होता स्टेरिक फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो पैरा प्रोजो मेजर बन सकती है। सेकेंड जो है वो है टेम्परेचर, थर्ड जो है वो है सॉल्वेंट, और फोर्थ जो है वो है अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट दैट इज LCl3 यूज्ड। तो देखो यहाँ पर एस्टर्स ऑफ फिनॉल ऑन हीटिंग विथ लेविस एसिड कैटलिस्ट, यहाँ पर हम कैटलिस्ट लिखना भूल गए। तो ये कैटलिस्ट है, मतलब लास्ट में ये एज सच रहेगा, वो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। तो देखो ये चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट मेजर बनेगी। फर्स्ट अल्काइल रेसिड्यू, अगर यहाँ पर रेसिड्यू बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। सेकेंड टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में दो लिख देता हूँ, लो और हाई। लो किसको बोलेंगे, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस,
एंड ग्रेटर देन 160 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर लो है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी? पेरा। और अगर टेम्परेचर हाई है तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी? ऑर्थो। ठीक है, फिर सॉल्वेंट, यहाँ पर एनहाइड्रस कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम, इसका मतलब यहाँ पर वाटर तो नहीं होगा, तो और अलग जो भी पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जनरली यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं वो है ये सारे, ये DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ये THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये CH3CN, और शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिखते हैं SEN एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये बहुत सारे सॉल्वेंट अलग अलग यूज़ किए जाते हैं, तो जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट मेजर बनेगी। और लास्ट में अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज़, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड हम यहाँ पर कितना यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। लेकिन मेनली यहाँ पर आपको जो फोकस करना है वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपको लो दिया गया है 60 से कम तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, अगर 160 से ज़्यादा है तो ऑर्थो बनेगा, और इन दोनों के बीच में टेम्परेचर है, से फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री सेल्सियस दिया गया है तो ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बनेगा। क्लियर है? अब आते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच क्या बन रहा है? एच बॉन्डिंग। कौन सा एच बॉन्डिंग है? ये एच बॉन्डिंग कौन सा है? इंटर या फिर इंट्रा? इंटरसिटी मैंने आपको बताया था, दो अलग अलग सिटी के बीच में जो बस दौड़ती है, ठीक है, उसको इंटरसिटी बोलते हैं। सेम अलग अलग मॉलिक्यूल में है तो उसको इंटर मॉलिक्यूलर बोलते हैं। ये कौन सा है? इंट्रा मॉलिक्यूलर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पेरा में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, फ्राइस रीअरेंजमेंट में मैकेनिज्म हम देंगे, तो मैकेनिज्म भी दो तरह की होती है। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर भी होती है और इंटर मॉलिक्यूलर भी होती है। तो पहले हम देखेंगे कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर में सबसे पहले क्या हो रहा है? हमारे पास क्या है? ये ओ सी ओ सी एच थ्री। फर्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। तो ये क्या है? लेविस एसिड है। ये ऑक्सीजन दो है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन कौन सा है? sp2, जबकि इसका sp3 है। ठीक है, मतलब ये कम खींचता है इससे, तो ये ज़्यादा दे रहा है, सिंपल है। तो अब ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। मैं स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप यहाँ पर लिख रहा हूँ लेफ्ट साइड में, CO CH3। ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? एल्यूमिनियम क्लोराइड को, क्योंकि ये लेविस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अभी जैसे ही एक्सेप्ट किया, ये एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी हमने हेडिंग क्या लगाया? इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रिएक्शन होने के बाद ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से मुझे दो मॉलिक्यूल अलग अलग बनाने हैं, तो कैसे, क्या हो सकता है? अभी ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एल्यूमिनियम से नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगर लेना ही था तो वो देगा क्यों? सेकेंड चीज, ये या तो यहाँ फिनाइल से लेगा या फिर ये एसिटाइल ग्रुप से लेगा। तो देखो, फिनाइल के ऊपर तो क्या हो रहा था? रेजोनेंस हो रहा था पहले, मतलब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था। हालांकि अभी यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इंडक्टिव लगता है। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हाँ, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन ले लिया, अभी ये AlCl3 नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पर फिर से आ गए, मतलब वो न्यूट्रलाइज हो गया। और क्या बना? ये CO CH3, ये कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिया, तो इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक है, आप बोलोगे कि ये मैं निकाल देता हूँ, आप बोलोगे कि ये स्टेबल होता है, तो बिल्कुल, इसका और एक रेजोनेटिंग फॉर्म बनता है।
जो स्टेबल होता है। ठीक है, तो पहले तो इसको बोलते हैं क्या, CH3CO, एसिटाइल बोलते हैं हम, या फिर एसाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है सफिक्स क्या लिखते हैं हम, यम, IUM। ठीक है, तो ये एसाइल यम, और पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन है, तो इसको नाम दे देता हूं मैं, ये क्या है मेरा, एसाइलियम केटायन है। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं कैसे, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये दे सकता है, तो ये दोनों के बीच ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर CH3 एज इट इज। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और एक चीज, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते, ये दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो नॉर्मली हम जो सुनते आए वो क्या है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, लेकिन वो बाद में देखना होता है, वो भी मैं डिटेल में आपको कभी बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट में सिर्फ इतना बता देता हूं कि यहां पर देखो ये कार्बन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट मीन्स दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, तो इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल है। चलो अब हम इसको यूज करेंगे, पहले मुझे प्रोडक्ट बनानी है ऑर्थो, तो ये ऑर्थो आइसोमर लिख देता हूँ मैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो आइसोमर, पहले मैं ये ले लेता हूँ, फिर इसका रिएक्शन इसके साथ करा देता हूँ। ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, मैकेनिज्म सभी एकदम इजी होती है, बस हम रट्टा मारने के फिराक में गलती कर देते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन मुझे इसके साथ कराना है, उस एसाइलियम के साथ भी करा सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ कराऊंगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन कार्बन के बीच क्या बनेगा, बॉन्ड, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा, ये पाई बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजिशन के ऊपर माइग्रेट हो जाएंगे। ठीक है, समझने के लिए मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ, बाद में मुझको निकाल देंगे, ये तो एज सच रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये LCl3, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बना, नेगेटिव, अब ये नेगेटिव चार्ज है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन, ये CO और ये CH3, क्लियर है, आपके समझने के लिए मैंने ये स्टेप ज़्यादा दिखाया। अब जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, तो ये बन गया। अभी देखो ये जो है बेंजीन, पहले था हमारा एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक है, सभी एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है, नेक्स्ट ये प्लेनर भी है, और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब ये एरोमेटिक था। अभी यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, देखो तो ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक, तो नॉन एरोमेटिक बन गया, मतलब ये पहले जो था उससे कम स्टेबल बन गया, तो अभी मुझे इसको फिर से स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे गरीब होता है वो दे देता है, कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो मान लो पहले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसने, ये कार्बन ने, ये कार्बन पास में देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है मैं पास में दे देता हूँ, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एकदम ही सिंपल है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अच्छे से एक बार समझ लोगे तो आप अच्छे से लिख सकोगे एग्जाम में। ठीक है, अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ये LCl3 है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज भी है, इसके साथ 3 क्लोरीन है ऐसे। अब देखो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये CO CH3 ग्रुप है, अब ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर तो न्यूट्रल चार्ज बना,
लेकिन यहाँ से निकला क्या, एच प्लस। तो जैसे ही यहाँ से एच प्लस निकलेगा, यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो यहाँ से एच प्लस, यहाँ से सी एल माइनस, ऑल ओवर एच सी एल निकल गया, ऊपर क्या बचा, ए एल सी एल टू। अब ये भी न्यूट्रल हो गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर गया है। अब यहाँ से जो एच प्लस निकला, वही एच प्लस से इसका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या तो फिर आप अलग से एच प्लस ऐड कर दो, ठीक है। अब आप पानी डाल सकते हो। तो देखो यहाँ पर ओ एन ए जैसे होता है, हम एसिडिफाई करते हैं, उसी तरह ये भी मेटल है। तो जैसे मैं एच सी एल ऐड करूँगा, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी एल, तो फिर से बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनस ए एल सी एल टू था और ये ए एल सी एल थ्री बन गया। और प्रोडक्ट क्या बनेगा फटाफट, ये ओ एच, ये सी ओ सी एच थ्री, टू हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा या इंटर, इंट्रा मोलिकुलर, ठीक है। तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया मेरा। अब मान लो मुझे पैरा आइसोमर बनाना है, तो सेम मैकेनिज्म रहेगा, थोड़ा सा चेंज है, वो क्या होगा, तो मेरा ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, ये ओ एल सी एल थ्री नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज हो एल्यूमिनियम के ऊपर है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, वैलेंसी बढ़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पहले यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन पास में देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार याद करो, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डायरेक्ट शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ आया, फिर इसने यहाँ पास में दे दिया, तो दो स्टेप को हम एक में लिख रहे हैं, फिर ये डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइग्रेट हो गए, मतलब पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। जैसे ही पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इस एसाइल एवं कैटाइन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बनेगा फटाफट, जैसे ऊपर हुआ था सेम, सोचो जरा, जो चेंज हो रहा है वही हमें देखना है, ये ओ एल तीन सी एल और एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पेरा के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, सी ओ सी एच थ्री। अब क्या होगा, तो ये भी पहले एरोमेटिक था, अभी नॉन एरोमेटिक हो गया, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा पास में, तो ये दो कार्बन के बीच जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब यहाँ से एच प्लस निकला, अभी यहाँ से सी एल इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो ऑल ओवर एच सी एल निकल रहा है। फिर प्रोडक्ट क्या बनेगी, देखो ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर सी ओ सी एच थ्री बी एज इट इज, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था कार्बन हाइड्रोजन के बीच वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड था यहाँ पर शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ए एल सी एल टू, कोई चार्ज नहीं वहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम मुझे यहाँ पर भी क्या करना है, एच सी एल से एसिडिफिकेशन करना है, ठीक है, ये एच प्लस की जगह पर मैं एच सी एल ही लिख देता हूँ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको मिलेगा एच, इसको मिलेगा सी एल, तो ए एल सी एल थ्री जो हमारा कैटलिस्ट है वो वापस मिल जाता है हमें, और प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिल जाएगी, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर सी ओ और ये सी एच थ्री। तो फिर से एक बार, ये मैकेनिज्म हमारा कौन सा था, इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब यहाँ पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल बन रहे थे ये, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में साथ में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो अब देखते हैं, एग्जाम में आप ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको रिएक्शन पहले से दे देते हैं और आपको पूछा जाता है सिर्फ मैकेनिज्म कि आपको इसका मैकेनिज्म देना है, तो अब कौन सा मैकेनिज्म देखना है हमें, ये कौन सा था, अलग अलग मतलब इंटर, आप कौन सा देखेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर,
ठीक है, फटाफट मैं निकाल देता हूं। यहां पर भी कुछ नहीं है, एकदम इजी है। एरो कहां से कहां जा रहा है, बस यही आपको देखना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, एरो कहां से कहां जा रहा है यही आपको देखना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। जैसे ये मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा फिर हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन। तो ये देखो, ये ओ, ये AlCl3, ये CO, ये CH3। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन लेगा वो फिर से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड बना लिया, इसको मैं कुछ ऐसे यहां पर लिख देता हूं इस साइड में। ठीक है, तो फिर जैसे ही यहां बॉन्ड बनेगा इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑर्थो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब एक साथ में सब कुछ हो रहा है। देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सब कुछ एक साथ हो रहा है, तो जहाँ पर चेंज हो रहा है वही हमें देखना है। ये ओ AlCl3, फिर ये ऑर्थो के ऊपर CO CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना। अब यहाँ फिर से एक बार हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पास में दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, एक Cl इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो ऑल ओवर HCl निकला और ये प्रोडक्ट बन गया। ये सिंगल बॉन्ड था, वहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CO CH3 और यहाँ पर AlCl3। अब क्या करेंगे बताओ, HCl डाल दो तो फिर से क्या निकल जाएगा, सॉरी ये AlCl2 है हमारा। ठीक है, यहाँ से AlCl2 और यहाँ से Cl, तो AlCl3 निकल गया, और यहाँ पर OH, यहाँ पर CO CH3, और ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्थो आइसोमर बन गया। अब पैरा आइसोमर बनाना है मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या चेंज करूँगा, ऑर्थो से अटैक कराया था, अब मैं अटैक कराऊँगा पैरा से। ठीक है, एकदम सिंपल, ये AlCl3, ये CO, ये CH3। अब ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन लेने के बाद वो पास में दे देगा, तो ऑक्सीजन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे पहले शिफ्ट होंगे ऐसे, फिर वो पास में दे देगा, तो मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, फिर इसकी वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो ये पैरा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पैरा के ऊपर शिफ्ट होगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन को दे देगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड मेरा एज इट इज है। यहाँ ऑक्सीजन के बीच पहले क्या था, ऑक्सीजन के बीच पहले सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए वहां पर डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था यहाँ पर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या जुड़ गया, CO CH3। जैसे ये नॉन एरोमेटिक बना था, ये भी नॉन एरोमेटिक है, तो इसको फिर से मुझे एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन हाइड्रोजन का, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ए डबल बॉन्ड भी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस होगा, तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर देता हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन कार्बन के बीच शिफ्ट करा दूँ, तो ये कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन कार्बन के ऊपर माइग्रेट होंगे, ये कार्बन का वैलेंसी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए, फिर यहाँ पर 3 क्लोरीन है, अभी नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो यहाँ से H+, यहाँ से Cl-। तो अब देखो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर बी डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर बी डबल बॉन्ड, ये CO CH3, यहाँ पर
ओ यहां पर ए एल सी एल टू, अब कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर गया है। अब फिर से मैं इसमें एच सी एल पानी वाला डाल दूं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको एच मिलेगा, इसको सी एल माइनस, तो ऑल ओवर एल सी एल थ्री बाई प्रोडक्ट बन गया और ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको स्पेसिफिक पूछा जाता है कि इंटर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देना है, तो आपको इंटर देना है, इंट्रा तो इंट्रा देना है। अगर नहीं बोला जाता है, सिर्फ मैकेनिज्म पूछा गया, तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो, क्लियर है। अब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो देखो, मैं पहले ये ले लेता हूं, ये क्या है मेरा फिनाइल एसिटेट, मैं यहां पर कुछ चेंज कर देता हूं। देखो ये मेटा के ऊपर मैंने सी एच थ्री लगा दिया, अगर ऐसा होता तो इसको हम नाम क्या देते, यहां पर सी एच थ्री है और यहां पर ओ एच है, क्रेसोल बोलते, क्या बोलते, क्रेसोल। क्रेसोल में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, तो लास्ट में मैं आयल ऐड कर दूंगा, क्रेसोल। अब इसको नाम क्या देंगे हम, एक हाइड्रोजन कम है तो क्रेसाइल, ठीक है, तो ये क्रेसाइल है। कौन सा क्रेसाइल है, मेटा वाला, तो ये पार्ट जो है मेरा, ये मेटा क्रेसाइल है, मेटा क्रेसाइल, इसको तो हम सॉरी, ये पार्ट मेरा मेटा क्रेसाइल है, इसको तो हम एसीटेट बोलते हैं, तो ये मेटा क्रेसाइल एसीटेट है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं इसको अलग अलग टेम्परेचर देता हूं, से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ही हीट कर रहा हूं एनहाइड्रस, ठीक है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा हूं और 165 डिग्री पे हीट कर रहा हूं, तो मैंने क्या बताया, अगर टेम्परेचर लो है तो पेरा आइसोमर बनेगा मेजर, तो यहां पर पेरा आइसोमर मेजर में बना दूंगा, तो ये सी एच थ्री, ठीक है। अब यहां पर ओ सी ओ सॉरी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये OH बनेगा और पेरा के ऊपर सी ओ सी एच थ्री ग्रुप आ जाएगा। अगर टेम्परेचर 160 से ज़्यादा है तो कौन सा आइसोमर मेजर बनेगा, ऑर्थो, तो ये ओ एच और यहाँ पर सी ओ सी एच थ्री। अगर नाम देना है तो नाम दे सकते हैं हम, कोई भी नाम लिखना है हमें, ठीक है। तो पहले तो इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं, ये नंबर वन है, ये टू, ये थ्री और ये फोर, फोर के ऊपर हाइड्रोक्सी, थ्री के ऊपर मिथाइल, ये मिथाइल का एम, ये हाइड्रोक्सी का एच, पहले कौन आता है हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम मैं लिख रहा हूँ फोर हाइड्रोक्सी। मैं यहाँ पर एच कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये 2013 के हिसाब से नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, फोर हाइड्रोक्सी, फिर टू मिथाइल और एसीटो फिनोन, इसका नाम आपको देना है, कैसे दोगे आप, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर, तो यहाँ पर टू के ऊपर हाइड्रोक्सी है और फोर के ऊपर मिथाइल है, तो टू हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल एसिटोफिनोन इसका नाम बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन था। अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ एप्लीकेशन में, मैं कुछ अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो एप्लीकेशन नंबर टू, ये ओ सी ओ सी एच थ्री और यहाँ पर पेरा के ऊपर मैं सी एच थ्री ग्रुप लगा दूँ। अब इसका रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करा दूँ, हीटिंग ऐसा लिखा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी आपको बनाना है, जो भी बन रही है। फिर थर्ड एग्जांपल लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा हूँ मैं अल्काइल रेसिड्यू में, फिर मैं पहले मैं सी एच थ्री ले रहा था, अभी सी एच टू सी एच थ्री ले लिया, अब प्रोडक्ट बनाते जाओ क्या बनेगा सोचो एक बार, बिल्कुल आपको पता है। देखो अभी यहां पर पहले से पेरा ब्लॉक है, मतलब पेरा के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर एक ही प्रोडक्ट बन सकती है और वो प्रोडक्ट होगी ये, यहां पर ओ एच, यहां पर सी ओ सी एच थ्री और यहाँ पर मिथाइल एज इट इज, नाम दे दो आप जैसे यहाँ पर दिया था, ठीक है। तो ये वन टू थ्री फोर और फाइव, नाम बनेगा टू हाइड्रोक्सी फाइव मिथाइल एसिटोफिनोन। अब यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर आपको मान लो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है,
तो दोनों ही प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर ओ एच ऑर्थो से हाइड्रोजन निकला, वहाँ पर ये ग्रुप आ जाएगा सी ओ सी एच टू सी एच थ्री प्लस ये ओ एच सी ओ सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है, आपको इसका नाम लिखना है, ये थर्ड जो एग्जाम्पल है इसका नाम क्या बनेगा। तो देखो एक काम करो, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, आगे तीन लिखो और फिर इसका नाम जो भी आप समझते हो वो लिख दो, फिर ये जो प्रोडक्ट बन रही है उसका नाम जो है वो भी आपको लिखना है। क्लियर है? चलो प्रोडक्ट का नाम मैं आपको सिखा देता हूँ, और एक एप्लीकेशन लिखता हूँ ओ सी ओ सी एच थ्री ओ सी ओ सी एच थ्री। इसको जैसे ही मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट करूंगा तो क्या बनेगा, चलो पहले उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो आपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम सीखा होगा, पहले देखो ये सिर्फ इतना है ओ सी ओ सी एच थ्री, इसको मुझे आईयूपैक नोमेनक्लेचर देना है, तो यहाँ पर सॉरी सिर्फ इसको ये सी ओ सी एच थ्री, तो ये कीटोन है, इसको नंबर वन मिलेगा, इसको नंबर टू, मतलब मेन चेन में दो ही कार्बन है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको नाम क्या दूंगा मैं, वन के ऊपर फिनाइल, तो ये नाम बनेगा वन फिनाइल, फिर दो कार्बन के लिए रूट वर्ड इथ, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स वन ऑन, ये इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। अब देखो अगर यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन फिर से हो रहा है, यहाँ पर ओ एच आ गया, यहाँ पर सी ओ आ गया, और यहाँ पर सी एच टू सी एच थ्री लिख देते, चलो इसी का नाम दे देते। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, वन टू थ्री, अगर सिर्फ इतना होता तो मैं लिखता फिनाइल, लेकिन फिनाइल के ऊपर भी सब्स्टिट्यूशन है फिर से, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन है, तो कॉम्प्लेक्स का नाम हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, एक नंबर के ऊपर, तो मैं पहले यहाँ पर एक लिख देता हूँ फिर डैश, और इसका नाम मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, अगर सिर्फ ये बेंजीन होता तो मैं फिनाइल लिख देता, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो जो मेन चेन के साथ अटैच है उस कार्बन को ऑलवेज नंबर वन देना है, फिर जो कार्बन है उसको नंबर टू देना है, तो टू के ऊपर क्या है हाइड्रोक्सी, तो मैं लिख देता हूँ टू हाइड्रोक्सी, फिर इसके लिए फिनाइल ब्रेकेट ओवर, मतलब इसका नाम हो गया। अभी इसके लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे, तीन कार्बन के लिए प्रॉप प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स वन ऑन, तो ये इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, आप इसको भी इस तरह दे सकते हो। क्लियर है? सॉरी इसका तो हमने लिखा, इसको आप इस तरह दे सकते हो। ठीक है, फर्क क्या होगा यहां पर, ये ब्रेकेट में ये जो है ब्रेकेट, इसका ब्रेकेट में लिखेंगे हम, तो ये OH ग्रुप कहां पर है, इसको तो नंबर वन ही देना है, तो यहां पर सिर्फ चेंज इतना होगा, वन ब्रेकेट में फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल बनेगा। क्लियर? चलो ये इसका नाम है हाइड्रो क्विनोन डाई एसीटेट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ इसको हीट करोगे तो यहां से सी ओ सी एच थ्री पेरा में तो जा नहीं सकता, तो ऑर्थो पे आ जाएगा। ठीक है, ये ओ एच बना, ये सी ओ सी एच थ्री बना। और एक बात, जैसे आप इसका वर्कअप करोगे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो यहां पर भी ओ एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम नहीं बना सकते हैं, जबकि हम ये फ्राइस रीअरेंजमेंट से बना सकते हैं। इसको नाम दे दो फटाफट, क्या नाम होगा इसका, हाँ ये वन टू मैं आईयूपैक दे रहा हूँ। ठीक है, ये कॉमन दे दूँ, चलो कॉमन दे देता हूँ, तो इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, ये वन है तो ये टू थ्री फोर और फाइव, नाम दे दो टू फाइव टू कोमा फाइव डाई हाइड्रोक्सी एसीटो फिनोन। इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दे देना, जैसे मैंने वो बनाया आप भी वैसे बना सकते हो। और एक एग्जांपल ले लेते हैं,
अब तक हम क्या कर रहे थे, ये ऐसा कुछ ले रहे थे, सही है ना। अब यहाँ ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट मैं करा दूँ नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर बन जाएगा NH। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर NHCOCH3, ये तो वेल नोन एग्जाम्पल है। क्या है ये, एसीटेनी लाइड। अगर एसीटेनी लाइड को भी हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ हीट कर दे, ठीक है, टेम्परेचर नहीं लिखा है, मान लो मैं लिख देता हूँ 50 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर है, तो पेरा आइसोमर मेजर बनेगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये NH था, एक हाइड्रोजन और मिल गया NH2, और पेरा के ऊपर ये COCH3। इसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। इसको नंबर 1, 2, 3 और 4, नाम क्या बनेगा इसका, 4-एमिनो। ये मैं 1993 के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है, 4-एमिनो, इसीलिए ए कैपिटल की है, 4-एमिनो एसिटोफिनॉन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।